देशधर हथियारों के नाल एक सरपंची के उम्मीदवार नूं वढ़ के कुछ हमलावर मौके तो फरार होए ने। तां दस दईए कि इह सरपंची का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के नाल संबंध रखता है। तां सरपंची नूं लैके वारदातां रुकण का नाम ही नहीं लै रही, जिथे एक होर सरपंची के उम्मीदवार से हमला किया गया जो कि आम आदमी पार्टी के नाल संबंध रखता है, जिसते जाते समय तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया, जिस दे विच गंभीर रूप के नाल जख्मी हो जाता है, जिस तों बाद तुरंत इसनों हस्पताल दे विच भर्ती करवा दिता गया। दस दिए कि मामला मलेरकोटला तो सामने आया है, जिथे एक पिंड का सबका सरपंच जो कि इस बार भी पंचायती चोणां च सरपंची का उम्मीदवार है, तो उसते तेजधार हथियारों के नाल कुछ लोगों के वलों हमला कर दिता गया ते इह मौके तो फरार हो जाते हैं, जिथे इसनों जख्मी हालत के हस्पताल के भर्ती करवाया गया तो हुण उत्थे इसका इलाज किया जा रहा है। तो मौके पर पुलिस भी पहुँचती है तो उन्होंने वालों पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो उत्थे इन्होंने वालों भी दस्या गया कि यह वारदात पुरानी रंजिश में लेके की गई है, जिथे कि हुण पुलिस के वालों आरोपियों की भाल की जा रही है। तो सरपंची का उम्मीदवार से जिसनों लैके इसते तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया, जिस दे विच गंभीर रूप के नाल जख्मी हो जाता है। तो पुलिस के वलों हुण लगातार इन्हां हमलावरां दी भाल दे लई छापेमारी की जा रही है। मैं जी साबका सरपंच 13 से 18 तक रहा जी, हुण मैं दोबारा फिर इलैक्शन लड़ रहा हाँ जनरल सरपंची च। मैं 6 तरीक नूं मेरे लवे गुरदीप सिंह नियामत भराए वो ये जिहड़ा गज्जण माजरे का PAR जीव उन्हें भेजे ने जी, वो कहिंदे भी तू बह जा भी असी ने प्रभजीत नूं जिते आना। मैं कहा भी वह तो 3 नंबर आ, जे मैं बैठ भी जाना फिर किहड़ा हो जिद्दा। कहिंदे भी साज दा धक्का करना पए, गुंडागर्दी करनी पए, जो मर्जी करना पए, जे भी साडा ब्लाक प्रधान हारदा भी असी तां प्रभदीप नूं जिते आके बब्बर नूं बाहर कढ़ना, ठीक है जी, भी असी गुंडागर्दी भी करांगे, जो होऊ सातो करांगे, भी तू बह जा। मैं कहा भी तुसीं जिहड़ा कुछ करना कर लिओ, मैं बहिंदा नहीं हैगा। बदमाशी टाइप अज तक कोई काम साढ़े पिंड 50 साल तो नहीं होया जी। ये बगलाट च आए हुए हार देखते दे हुए इन्होंने मेरे से 12-10 बंद ने बुला के मेरे से हमला कराता जी। ना जी कोई 10 बंदे तो जी गडासे चलते थे, हूँ किहड़ा पछाण च किवें आऊ जी। मैं गडासा सांभा के पछाण कराई उन्हां दी, ठीक है ना जी। गल यह बस स्टैंड बागड़ियां होया जी, असी फ्लैक्स लाते थे जी आपकी। हाँ जी मंग यही करते हैं प्रभदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह ते गुरदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह नियामत पर हरजीव PA जिहड़ा गज्जण माजरे का बहुत चमड़ाया होया, ये इन्हों पर परचा होना चाहिए 307 का। ये बदमाशी की है जिन्होंने कागज़ कैंसल कराते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं जी सारा दिन। एक बंदे तो मेरे से एप्लीकेशन पवा के मेरे कागज़ रिजेक्ट कराने की कोशिश करी, सारा दिन बैठे रहे है। कोई इन्हों तो कुछ इन्हों का जो चोरी जरा कोई चलिया नहीं जी, फिर इन्होंने हूँ आप मेरे से हमला कराता जी। हाँ जी बस जी ये तिने ने करता धरता जी सारे। हरजीव दे देख लो ट्रेस कर लियो फोन, बब्बर 50-50, 100-100 फोन डेली आउंदा जी, ये उन्होंने करता जी, वो इन्हू करता जी, ये बदमाशी करके इन्होंने सारा ट्रेस करो जी सारे फोन करने नहीं जी। तो परमजीत सरपंच भी मिलती पी है जी, बलवंत जी भी मिलती पी है। इन्होंने एप्लीकेशन 8 तरीक SSP साहब तो DC मैडम भी दिती है कि साढ़े थोड़ा जहा इतने पुलिस फोर्स ज़्यादा करो क्योंकि सानू धमकी आई जाती है। फिर ये कहें जी मेरे घर कोई गुरदीप सिंह है नियामतपुर तो वह आया, तुम सारे ने पहले इंटरव्यू बाइट भी इन्हों की लिती है कि उन्हों का नाँ ले रहा है, फिर ये नाँ ले रहे हैं जी अगे कहते जी जिहड़ा बब्बर हैगा प्रदीप सिंह वो हैगा, नाल उन्हें नाल होर बंदे भी इनवॉल्व हैगे है, वो कह रहे कि जिवें अपने कोई राजीव हैगे है MLA साहब के PA उन्हों का ये नाँ ले रहे हैं, उनते शक है। मैं यही कहूँगा सारे प्रशासन को कि यदि सख्त तो सख्त यदि इंक्वायरी होनी चाहिए है, जिहड़े जिहड़े बंदे इनवॉल्व है उन्होंने सज़ा होनी चाहिए है। चोण लड़ रहे जी आम आदमी पार्टी तो जी, नाल एक कैंडीडेट होर भी सी आम आदमी पार्टी का, बस थोड़ा जिहा तुहानू पता ही है ना हुंदा इन्हां नूं जलसी जी, बस हुण आया होया पैसे भी परमजीत सिंह जित्तू जित्तू बस तां करके अटैक होया जी। काफ़ी लगे टांके लगे जी, गणासे नाल लत्त लुत्त पड़ती जी। कौन लोग सी पता नहीं जी, बस होणगे जी कोई पार्टी दे पता नहीं जी मैनूं कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी दे पता नहीं जी हुण मैनूं किहड़ा पता लगना जी बंदे।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨੋਰਮਲ ਬੈਠੀ, ਪੋਸਟਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੀ, ਬਸ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। 15-15-20 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਤਫਤੀਸ਼, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ MLR ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਬਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।